हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आर्किटेक्ट रविंद्र सैनी आज आपके लिए 1500 स्क्वायर फीट में घर का नक्शा लेकर आया हूँ। 3 बेडरूम वाला, किचन, लिविंग एरिया, लॉबी, क्राउड पार्किंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया के साथ पूरा वास्तु के अनुसार और वेंटिलेशन के अनुसार है। और ये घर तभी समझ में आएगा जब आप इस वाली वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो चलिए हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हमारे ये घर कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन हो रखा है जिसमें यहाँ मेन गेट रहेगा स्लाइडर टाइप का, तो यहाँ स्लाइडर मेन गेट लगाना है। और यहाँ आपको गाड़ी की पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया आपको यहाँ देना है, तो ये स्लाइडर मेन गेट रहेगा। और आपको 14 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 10.5 इंच का कवर्ड पार्किंग एरिया लेना है। यहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, बाइकें पार्क कर सकते हो, तो ये जगह आपको खाली छोड़ देनी है। और फर्स्ट फ्लोर पर जाने के बाद इसके ऊपर एक आप बालकनी टाइप में या रूम भी बना सकते हो इसमें। इसके ऊपर यहाँ फ्रंट में स्टेयरकेस एरिया मिलेगा आपको 9 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का, ये स्टेयरकेस एरिया रहेगा। इस वाले स्टेयरकेस एरिया से आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर आप ऊपर बना सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाएगा। तो ये स्टेयरकेस एरिया रहेगा। सॉरी, स्टेयरकेस यूज़ करने के लिए जो अप लिखा हो यहाँ से स्टेयरकेस चढ़ना है और ऐसे राउंड होते हुए आप अपनी छत पर पहुँच जाओगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाओगे। और फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद ये वाला घर आप ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हो, ये वाला घर आप ऊपर भी डिज़ाइन कर सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास 9 फीट बाय 12 फीट 6 इंच का एक स्टेयरकेस एरिया आपको यहाँ बनाने को मिल जाएगा। ये तो स्टेयरकेस एरिया हुआ। यहाँ आपको एक किचन मिलेगा 9 फीट बाय 11 फीट 9 इंच का, जिसमें गैस चूल्हा सिंक फ्रिज ये सब आप इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ आप किचन बना देना 9 फीट बाय 11 फीट 9 इंच का, तो यहाँ पर आप किचन मिलेगा। किचन का वेंटिलेशन के लिए ये कवर्ड पार्किंग एरिया है, तो इस साइड में आप इसके लिए विंडो लगा देना तो इसका वेंटिलेशन आगे होगा। तो यहाँ आप किचन बना देना। हमारे घर में मेन दरवाज़ा यहाँ रहेगा, दरवाजे के दोनों साइडों में विंडो अटैच लगाएंगे और आपको मिलेगा एक लिविंग एरिया 10 फीट 6 इंच बाय 15 फीट 10.5 इंच का लिविंग एरिया आपको यहाँ मिलेगा, जिसमें आपको बैठने के लिए सोफे मिलेंगे, इसमें टीवी का पॉइंट लगा सकते हो। और इसके लिए विंडो आप बाहर के साथ बाहर की तरफ लगा देना, यानी कि दरवाजे के साथ अटैच कर देना, और जिससे घर का एलिवेशन भी बनकर आए और इसका वेंटिलेशन भी हो जाए। तो यहाँ आपको लिविंग एरिया बनाना है। यहाँ 5 फीट 4.5 इंच बाय 7 फीट 9 इंच का एक फोयर बनाना है। ये फोयर यहाँ बनेगा, तो यहाँ आपको फोयर बना देना है। तो ये फोयर यहाँ बन जाएगा। अब आपको बनाना है घर के लिए टॉयलेट, टॉयलेट आपको यहाँ बना देना है। ये टॉयलेट रहेगा 5 फीट बाय 7 फीट 9 इंच का, जिसमें वॉश बेसन, शावर, सीट, तीनों चीज़ें लग जाएगी। और इसका वेंटिलेशन आप बाहर कर देना तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ आप टॉयलेट बना देना, तो ये टॉयलेट यहाँ रहेगा। तो ये हुआ हमारे घर के लिए टॉयलेट। इसके बाद हम बनाएंगे हमारे घर में बेडरूम। बेडरूम हम बनाएंगे 3, यानी कि 3 BHK घर बनाएंगे इसको। एक बेडरूम 12 फीट बाय 12 फीट 1.5 इंच का, जिसमें बेड, टीवी, अलमीरा ये सब आप इसमें लगा सकते हो। विंडो इसके लिए बाहर लग जाएगी, तो इसका वेंटिलेशन बाहर हो जाएगा। तो यहाँ हम घर के लिए एक बेडरूम यहाँ बनाएंगे। तो ये हुआ हमारे घर के लिए एक बेडरूम। तो यहाँ हम बेडरूम बनाएंगे। दूसरा, यहाँ हम एक बेडरूम यहाँ बनाएंगे 12 फीट बाय 10 फीट 7.5 इंच का, दूसरा बेडरूम बनाएंगे। इसमें बेड, टीवी, अलमीरा हो जाएगी। वेंटिलेशन के लिए पीछे हमने 4 फीट 3 इंच की जगह छोड़ रखी खाली, यानी कि लॉन छोड़ रखे 4 फीट 3 इंच का, तो हम उसमें इसका वेंटिलेशन कर देंगे। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना आप। तो यहाँ हम बेडरूम बनाएंगे और इसी वाले बेडरूम से होकर हम पीछे भी जा सकते हैं। तो ये बेडरूम, और बेडरूम में बेड, टीवी, अलमीरा लगाएंगे। बेडरूम के इस साइड में एक स्टोर रूम दे देंगे, इसकी
जो एंट्री रहेगी वो पीछे से हो जाएगी, जो हमने 4 फीट 3 इंच की जगह छोड़ रखी उस साइड से इसमें एंट्री हो जाएगी। स्टोर 12 फीट बाय 5 फीट का बना देना, ये स्टोर बन जाएगा। तो यहाँ आप स्टोर बनाना, उसके बाद आपको बनाना है यहाँ एक बेडरूम, और यानी कि 3 बेडरूम, तीसरा बेडरूम यहाँ बनेगा। ये 12 फीट बाय 12 फीट का बनेगा, इसमें बेड, टीवी, अलमीरा हो जाएगी। विंडो इसके लिए पीछे लग जाएगी, पीछे हमने 4 फीट 3 इंच की जगह छोड़ रखी है खाली, तो हम उसमें इसका वेंटिलेशन कर देंगे। हमारा घर 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में डिजाइन हो रखा है, जिसमें 3 बेडरूम, किचन, लिविंग एरिया, टॉयलेट, फोयर, क्राउड पार्किंग एरिया, स्टेयरकेस एरिया, स्टोर, लॉन, ये सब इसमें बना रखा है। आपको ये वाला घर का नक्शा कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देना, और इस वाले वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आप, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।